हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से, तो आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है, पर यस, बारिश देखकर बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं बालकनी में आ गई। तो देखिए, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और बारिश हो रही है, और अभी बजे हैं शाम के 5:30। तो अभी से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो छोटा सा ये ब्लॉग है। तो किस किस को बारिश देखना पसंद है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे सभी को पसंद होगा, पर जयपुर में बहुत कम बारिश होती है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और मैं शाम को सिर्फ अकेली होती हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि बिटिया मेरी पीती नहीं है और हस्बैंड ऑफिस होते हैं, तो इसीलिए अकेले अकेले मुझे चाय इंजॉय करनी होती है। मोस्टली मैं, अच्छा मौसम होता है तो बालकनी में पीती हूँ, अदरवाइज़ आराम से रूम में ही पीती हूँ अगर गर्मी होती है तो। हाय गाइस, और अभी बारिश हुई है बहुत अच्छी, उसके बाद मैं चाय लेके बैठी हूँ। एक्चुअली चाय बना के लेके आई हूँ और अभी चाय पीऊँगी। लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई, मतलब हुई है 10 से 15 मिनट बारिश, लेकिन बहुत ह्यूमिडिटी हो गई है। आप एग्री करेंगे ना कि जो थोड़ी सी बारिश हो जाती है उसके बाद जो ह्यूमिड होती है बहुत परेशानी होती है, तो उससे बेटर तो मुझे लगता है कि बारिश होनी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए बस अभी पहले थोड़ा सा पानी पीने वाली हूँ, और अभी हुआ है 6:30, और अभी चाय पीऊँगी। शाम का 6:30 हुआ है, सुबह का नहीं। और दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग एवर, कि मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और अभी चाय पीऊँगी। बेटी मेरी अभी ट्यूशन जाती है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि कोरोना में ट्यूशन, लेकिन एक्चुअली मेरी फ्रेंड है और उसी के मतलब वो टीचर है, तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाती है, तो उसके साथ ही मैं थोड़ा सा भेज देती हूँ। ऐसे किसी के पास ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चे संग संग चलते रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस ऑफकोर्स होती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन बच्चों का, क्योंकि इवन सब बच्चे तो प्रेजेंट भी नहीं होते हैं, बच्चों को हमें कह कह के कराना पड़ता है। स्कूल बस अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर रही हैं यार, और कुछ भी नहीं, तो बच्चे पीछे का भी भूल ना जाए मुझे यूँ लगता है। तो मैं थोड़ा सा भेज देती हूँ कि एक रूटीन बच्चे का बना रहेगा। तो अभी वो ट्यूशन से आएगी, उसके बाद मैं बस आज से आपका इवनिंग टू डिनर रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अभी चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं, देखते हैं। शाम हुई, शाम के बाद बस यही होता है कि क्या बनाएं खाने में, सबके घर की बड़ी टेंशन होती है। तो चलिए देखते हैं, अभी तो बहुत ह्यूमिडिटी हो गई है, किस किस के यहाँ बारिश हो रही है। जयपुर में तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं हुई है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और आप जानते हैं राजस्थान में ऑलरेडी बहुत गर्मी रहती है। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। और चाय पीकर मैं आ गई हूँ बालकनी में, और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, ज़्यादा बारिश नहीं, फिर भी देखिए और पेड़ कितने ग्रीन ग्रीन है। अभी मैंने कुछ पेड़ लगाए हैं, कुछ दूसरी बालकनी में रखे हैं, और देख सकते हैं पेड़ हिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और एक्चुअली मेरी बेटी इस वक्त साइकिलिंग करती है, तो मैं उसका भी ध्यान रख लेती हूँ, और थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस, और एकदम घर में रह रहे हैं 3-4 महीने से, तो थोड़ा सा बाहर बैठ कर एक्चुअली अच्छा भी लगता है। और अब हो गया है डिनर टाइम, और मैं बना रही हूँ डिनर। हस्बैंड मेरे खाते हैं दलिया या खिचड़ी शाम को हमेशा, और मेरा सावन का फास्ट है, मैं दिन में खा चुकी। बेटी के लिए मैं बना रही हूँ छोंकी हुई रोटियाँ, जो उसे बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि ये ठंडी रोटी है, लेकिन हाँ, 1 घंटे पहले मैंने बना के रखी। उसे रोटी इसी तरीके से खाना पसंद है ज़्यादातर, उसने कहा मम्मा आप ये बनाओ, तो मैं वो ही बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, जीरा, राई, प्याज, और आप और वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो खाती नहीं है। नमक, मिर्ची, हल्दी मसाला ऐड किया है, और दही ऐड किया है, और अब अच्छे से मिक्स करके और इसमें रोटी हम ऐड कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, और थोड़ा सा धनिया ऐड कीजिए। और ये रोटी वैसे सच में बहुत टेस्टी बनती है, और ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैं इसे रूह अफ़ज़ा दूध में ऐड करके और उसके साथ ये मैं दे रही हूँ। तो ये उसका डिनर है। अब डिनर हो गया है, किचन क्लीनिंग हो गई है, अब मैं अचार एक्चुअली बना रही हूँ आज, तो मैं सोची आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये हल्दी नमक लगा के मैंने 2 दिन तक आम को, मतलब कैरी को सुखा लिया है। अब इसका मसाला बनाएंगे, इस मस्टर्ड सीड लिया है, साबुत सौंफ, मेथी दाना और काली मिर्च। और काली मिर्च बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी, और बहुत टेस्टी अचार बनेगा। नमक, मिर्ची, हल्दी और हींग पाउडर। तो हींग और काली मिर्च मैं ऐड करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है अचार में।
और हम 3 लोग की फैमिली है, तो मैं 2 किलो कैरी का अचार बना रही हूँ, जो हमारे लिए इनफ होता है पूरे साल। अभी ये सरसों का तेल है, इसे मैंने गरम करके और गुनगुना है, अभी ये इसमें सारा मसाला ऐड कर दिया है और अब इसमें कैरी ऐड करेंगे। मैं इसी तरीके से अचार बनाती हूँ, बहुत टेस्टी मुझे लगता है। इस तरीके से मसाला अच्छे से कैरी में लग जाता है। इसे 7 से 8 दिन तक धूप देंगे और फिर एक मतलब मिट्टी का जो बर्तन आता है उसमें हम इसमें पैक करके अच्छे से ऑयल ऐड करके, वैसे ऑयल इनफ है शायद इस अचार के लिए, मैं पहले से ही ज़्यादा डालती हूँ ताकि मसाला सोख भी लेगा, तो फिर इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं पूरी साल। तो ये था गाइज आज का ब्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा।